आ गए हम, और दर्शन कीजिए प्लेट वाले मंदिर के। यहाँ पर इस वृक्ष पर पीपल के प्लेट्स चढ़ाई जाती हैं, लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना मांगते हैं। पापा ने भी मनोकामना मांगी थी, इसी वजह से हम यहाँ इस प्लेट वाले मंदिर पर आए हैं। दर्शन कर लीजिए। बम बम बोले, बम बम बोले, बोलते रहिए। शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल, विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल। हे दयाल हे कृपाल अगहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी। तिट 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 धाति धा त्रिगण धा घणान तिट गदिगे न धा कणान तिट गदिगे न धाति के न धाति के न कणान धात्रिगण तक धात्रिगण तक धात्रिगण तक तिट गदिगे न धात्रिगण तक धात्रिगण धात्रिगण तक तिट गदिगे न धात्रिगण तक धात्रिगण तक धात्रिगण तिट गदिगे तिट गदिगे न धा तिट गदिगे न धा धाति धा तिट गदिगे न धा तिट गदिगे न धा धाति धा तिट गदिगे न धा तिट गदिगे न धा धा धाति धा। यहाँ इस मंदिर में आए तो परिक्रमा अवश्य करें। परिक्रमा करने से मतलब यहाँ पर ये जो पीपल का वृक्ष है जिस पर प्लेट्स चढ़ाई जाती हैं, इसके चारों तरफ एक बार चक्कर लगाना है और परिक्रमा पूरी हो जाएगी, ऐसा हमें इसी मंदिर के पंडित जी ने बताया है। दर्शन हमारे पूरे हो चुके हैं, यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। यह मंदिर गोला गोकर्ण नाथ मंदिर से बस एक मिनट की दूरी पर है। यह मंदिर जब हम गोला गोकर्ण नाथ मंदिर जा रहे थे तो उससे पहले पड़ा था, बस एक मिनट पहले। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।